करते हैं उनको सलामती बख्श ताकि तेरे तेरे अंबिया की सच्चाई जाहिर हो। अपने बंदे और अपनी उम्मत की दुआएं कबूल कर बाप और बीखे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत और रफाकत आप सब के साथ हो और आपके साथ भी हो। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों भाइयों, साल के दौरान के 24वें अतवार की लिथुरिया इबादत हम शरीक है और खुदावन खुदा का शुक्र करते हैं। आज 11 सितंबर 2022 खुदावन का साल और खुदावन का शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए जो कि उसने हमें अता किया है। मेरे अजीज भाइयों, आज का कलाम हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करता है और आज के कलाम से हम बहुत सी चीज़ों के बारे में सीखते हैं कि खुदा जो है वो अपने बंदों को प्यार करता है, वो अपने वो 99 को छोड़ कर जो है वो एक ही तलाश करता है, उसके लिए बड़ी खुशी मनाता है। मेरे सिस्टर भाइयों, आज की तमसीलों में, आज की तीन तमसीलें आज के कलाम में जो हम देखेंगे और उसमें गौर खास करेंगे कि खुदा उन खुदा आज के कलाम को हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मेरे सिस्टर भाइयों, आज की इबादत के शुरू में हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि लायक वाजिब तौर पर हम आज की इस इबादत में शरीक हो पाए। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पश्चिमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, जो सब प्यार के लायक है और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से मैं हरगिज़ तुझे नाराज ना करूँगा बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। आए खुदावन रहम कर, आए खुदावन रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, आए खुदावन रहम कर, आए खुदावन रहम कर। आलमी वाला पर खुदा को जलाल और ज़मीन पर नेक नियत आदमी के लिए सलामती। ऐ खुदावन खुदा आसमानी बादशाह, खुदा कादर मतलब बाप, तेरे अजीम जलाल के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं। हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी प्रस्तुति करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह, खुदावंदा खुदा के बढ़ रहे बाप के बेटे, तुझे जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर। तुझे जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है हमारी दुआ कबूल कर। तुझे बाप के दाहिने हाथ बैठा है हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही अकेला कदूस है, तू ही अकेला खुदावंद है, तू ही अकेला यीशु मसीह रूह कुदस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला दर्जे पर है। आमीन। आए हम दुआ मांगे। दुआ में अपने सरों को झुकाते हैं, अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावंद अपने खुदा की हजूरी में दें, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद को अपने दिल में आने दें। रजीज भाई, आज हम खास तौर पर दुआ करेंगे, खास तौर पर अपने घर और घरानों के लिए
और आज हम इतवार की जो इबादत हम खास तौर पर उनके लिए करते हैं कि जो घरों में अस्पतालों में कहीं भी बीमार हैं और वो गिरजा घर नहीं आ सकते, उनके लिए खास तौर पर दुआ करते हैं। और ख़ास तौर पर उनके लिए भी दुआ करते हैं कि जिनके घर से, जिनके गांव में जो है वो खुदा की हैकल नहीं है, खुदा का कलाम उन तक नहीं पहुँचता, उनके लिए खुदा खास तौर पर दुआ करते हैं कि खुदा बाप उन पर अपने रहम करम की निगाह करें। और आज हम खास तौर पर जो है दुआ करेंगे खासतौर पर अपने कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के यौम वफात के मौके पर कि खुदा बाप उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, खुदा उनकी माफ़रत फरमाए, खुदा उनके हमेशा उनके साथ हो। आए हम दुआ मांगे। ऐ खुदा, तमाम कायनात के खालिक और मालिक, हमारी तरफ तवज्जो करें बाप से कि हम दिलो जान से तेरी इबादत और तेरी खिदमत करें ताकि तेरी तेरे रहम और करम का असर महसूस करें, मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। रसूलिया इकलाम का वक्त अपनी तवज्जो खुदा के जिंदगी व कलाम की जानिब करते हैं और खुदावंद के जिंदगी व कलाम में से हम आज की पहली तिलावत सुनते हैं। दूरी एक लाख का वक्त है, हमारे लिए आज की पहली तिलावत खरूज की किताब उसका 32वां बाब 17 से 11 और 13वीं से 14वीं आयतें कस्सा। तो आए सुने हम आज की पहली तिलावत। तब खुदावन ने मूसा से कहा, जा नीचे उतर, क्योंकि तेरे लोग जिन्हें तू मिस्र से बाहर निकाल लाया भड़क गए हैं। उस राह पर से जिस पर चलने का मैंने उन्हें हुक्म दिया वो जल्द फिर गए हैं और अपने लिए एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया, उसके आगे सिजदा किया और कुर्बानी चढ़ाई और कहा कि ए इसराइल, ये तेरा माबूद है जो मुल्क मिस्र से तुझे बाहर निकाल लाया। और खुदावन ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा, ये सख्त गर्दन लोग हैं, अब मुझे छोड़ कि मेरा गज़ब उन पर भड़के कि मैं उन्हें फना करूं और तुझ ही को एक बड़ी कौम बनाऊंगा। तब मूसा ने खुदावन अपने खुदा से मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावन, इन लोगों पर तेरा गज़ब ना भड़के जिन्हें मुल्क मिस्र से अपनी बड़ी कुव्वत और ताकतवर हाथ से बाहर निकाल लाया और अपने बंदों पर इब्राहिम और इसहाक और याकूब को और अपने बंदों इब्राहिम और इसहाक और याकूब को याद कर जिनसे तूने अपनी ज़ात की कसम खा कर कहा कि मैं तुम्हारी नस्ल को आसमान के सितारों की तरह बढ़ाऊँगा और सब ज़मीन जिसकी बावत मैंने कहा तुम्हारी नस्ल को अता करूँगा, सो वो अब तक उसके वारिस होंगे। सो खुदावन ने उस बदसलूकी से जो उसने कहा कि मैं अपनी कौम से करूँगा रुक गया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस खुदा का शुक्र हो। आज का मजमूर 50 और हमारा आज का जमाइती जवाब, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। ऐ खुदावंद, अपनी रहम दिली के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरे गुनाह मिटा दे, मेरी बदी को अच्छी तरह से मुझसे ढो डाल और मेरी खता से मुझे पाक कर। जमाइती जवाब, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। ऐ खुदा, मुझ में एक पाक दिल पैदा कर और एक नए सिरे से एक मुस्तकिम रूह मेरे बातिल में डाल दे, अपने चेहरे के सामने से मुझे खारिज ना कर और अपनी पाक रूह मुझसे अलग ना कर। जमाइती जवाब,
मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। ऐ खुदावन मेरे होंठों को खोल दे तो मेरा मुंह तेरी तारीफ बयान करेगा। ऐ खुदा शिकस्ता रूह मेरी कुर्बानी होगी। ऐ खुदा तू शिकस्ता और ख्वाब नशीनों दिलों को हकीर ना जाने का। जमाइती जवाब, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत रमाजूस के नाम उसका पहला बाब 12वीं से 17वीं आयतम का हिस्सा। ऐ भाइयों, मैं अपने कुवत बख्शने वाले यानी हमारे खुदावंद यस्सु मसीह का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे ईमानदार समझकर खिदमत पर मुकर्रर किया। हालांकि मैं पहले कुफर गो अजासा और जुल्म जालिम था, लेकिन मुझ पर रहम इस वास्ते हुआ कि मैंने जो कुछ ईमान ना लाने की हालत में जहालत से किया और हमारे खुदावंद का फजल इस ईमान और प्यार के साथ जो मसीह यस्सु में है बहुत ज्यादा हुआ। ये बात सच और कमाल कबूलियत के लायक है कि मसीह यस्सु गुनाहगारों को बचाने के लिए दुनिया में आया, जिनमें अव्वल मैं हूं, लेकिन मुझ पर उस लिए रहम हुआ कि अव्वल मुझ में यस्सु मसीह का अपना कमाल सबर जाहिर करे ताकि मैं उसके वास्ते नमूना बनूं जो अब्दी हयात के लिए उस पर ईमान लाएंगे। जमानों के बादशाह यानी गैर फानी और नादीनी खुदाए वाहिद की इज्जत और तमजीद अब्दो आबाद तक होती रहे। आमीन। हालेलुया, तारीफ करेंगे यीशु जी की, तारीफ करेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। ऐ खुदावन हमारे दिलों को खोल कि तेरे बेटे की बातों को कबूल करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 15वां बाप 1 ता पहली आयत से 32वीं आयत तक का सा 32वीं आयत तक उन दिनों में सब मासूल मिसल और गुनाहगार यस्सु के पास आते थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और फकिया यूं कहते एतराज करते थे कि ये गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। तब यस्सु ने उनसे ये तमसील कही कि तुम में से ऐसा कौन आदमी है जिसके पास 100 भेड़े हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में ना छोड़े और जब तक उसे ना पाए उस खोई हुई को ढूंढता ना फिरे, और जब पाए तो खुश होकर अपने कंधे पर उठा लेता है और घर आकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर उनसे यूं कहता है कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मैंने अपनी खोई हुई भेड़ पाई। मैं तुमसे कहता हूं कि उस 99 इसी तरह 99 रासबाजों की निस्बत जो तौबा के मुताज नहीं एक ताइब गुनाहगार के बाइस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। या कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दनार हो और एक दनार खो जाए तो चराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे और जब तक ना पाए कोशिश से ढूंढती ना रहे, और जब पाए तो सहेलियों और पड़ोसनों को बुलाकर यूं कहकर ना बुलाए
कि मेरे साथ खुशी करो कि मैंने अपना खोया हुआ धर्म पाया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इसी तरह एक तायब गुनाहगार के बाइस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। फिर उसने कहा, किसी शख्स के दो बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का वो हिस्सा जो मुझे आता है मुझे दे। उसने माल उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा सब कुछ जमा करके दूर दराज के मुल्क को रवाना हुआ और वहां उसने अपना माल अबासी में उड़ा दिया और जब तक खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मुहताज होने लगा। तब उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूर चराने भेजा और वो चाहता था कि उन छिलकों से जो सूर खाते थे अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। तब उसने होश में आकर कहा कि मेरे बाप के कितने मजदूरों को बहुत रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मरता हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा और उसे कहूँगा कि ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरी नज़र में गुनाह किया है, इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊँ, मुझे अपने मजदूरों में से एक ही मानद बना। और उठकर वो अपने बाप के पास चला और अभी वो दूर ही था कि उसको देखकर उसके बाप को तरस आया और वो दौड़कर उसे गले लगाया और मुकर्रम चूमा। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरे नजर में गुनाह किया है, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मगर बाप ने उसे अपने गुलामों से कहा कि जल्दी से अच्छी पोशाक निकाल लाओ और से बनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो कि हम खाएं और खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हो गया है, खो गया था अब मिल गया है। बस वो खुशी करने लगी। और उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो घर के नज़दीक आया तो राग नाच की आवाज़ सुनी। तब एक गुलाम को बुलाकर पूछा कि ये क्या है। उसने कहा, तेरा भाई आया है, तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बह किया इसलिए कि उसे सही सलामत पाया। इसने खफा होकर ना चाहा कि अंदर जाए, मगर उसका बाप बाहर आकर उसे मनाने लगा और जवाब में अपने बाप से कहा कि देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता रहा और कभी तेरे हुक्म के खिलाफ ना चला, मगर तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी मुझे ना दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाऊं, मगर जब ये तेरा बेटा आया जिसने अपना माल कस्बियों पर उड़ाया और तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा ज़बह किया, उसने उससे कहा, बेटा, तू हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना वाजिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हो गया है, खो गया था अब मिला है। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बड़ी बरकत हो, खुदा का शुक्र। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों भाइयों और प्यारे बच्चों, खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के 24वें इतवार के लिए कि जिसमें आज हम शरीक हैं और खुदावंद खुदा ने आज हमें मौका अता किया है कि हम बड़ी खुशी और शादमानी के साथ जो है आज की इस इबादत में शरीक हो पाए। मेरे सिस्टर भाइयों, खुदावंद ही की मर्जी होती है तो हम जो है खुदा के घर में आते हैं और खुदा के कलाम को सुनते हैं, वरना
खुदा नहीं चाहे तो हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज का कलाम कई किरदारों को जो है वो हमारे सामने जो है पेश करता है, हमारे सामने कई किरदारों को पेश करता है। खास तौर पर यहाँ पे हम देखते हैं कि बाप का रवैया जो है वो नहायत ही मुखलसाना है, नहायत ही मोहब्बत करने वाला, माफ़ करने वाला और प्यार करने वाला। और वहाँ पे हम उसके एक बड़ा भाई देखते हैं जो कि हसद से भरा हुआ है और कहता है कि ऐसा, और एक छोटा भाई जो है वो जो बिगड़ा हुआ। मेरे जिसमें भाई, हमारे घरों में भी अक्सर कार जो है सबसे छोटा बच्चा है ना, बिगड़ा हुआ होता है। तो ये बिगड़ा हुआ ही कहता है सारा माल मुझे दे, और जब वो जाता है वहाँ पे, आज का पैगाम मैं ज़्यादा आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा, उसकी वजह ये है कि मेरा गला नहायत ही ज़्यादा ख़राब है, और मैं आज की इबादत के लिए खुदा ने मुझे बड़ी हिम्मत दी कि मैं उठ गया और मैंने इबादत। तो मेरे जिसमें भाई, यहाँ पर जो है खुदावन जो है वो कहता है कि किसी एक की वजह, एक एक ताइब गुनाहगार की वजह से आसमान में बड़ी खुशी की जाती है। मेरे सीसन भाइयों, और खुदा मुझे ये भी मिसाल देता है कि 100 भेड़े हों और उनमें से एक खो जाए और 99 को छोड़कर वो उसकी तलाश में जाता है, और जब उसे तलाश करता है तो खुदा उसे कंधे पर उठा लेता है। मेरे सीसन भाई, आज की ये दो बेटे, बाप इस पर नौकर, और एक उस शख्स का किरदार है कि जिस शख्स के, उस बशिंदे के यहाँ जहाँ ये जाकर पढ़ता है और जहाँ पर ये मुताज हो जाता है उस मुल्क में रहता है। और फिर ऐसी बहन भाई, यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरा मुल्क को ये बच्चा जो है चला जाता है और अपना सारा माल ले जाता है, वहाँ पे उस मुल्क में ऐश करता है। सब उसे जानते होंगे, लो जी ये बच्चा आया, इसको बड़े पैसे हैं, और उसके बाद उस मुल्क में काल पड़ जाता है, उसके पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं। बहुत से लोग उसको जानते होंगे क्योंकि इसने यहाँ से बड़े पैसे खर्च किए हैं, बहुत से दुकानदार, बहुत से लोग उसे जानते होंगे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अब जो है क्या हुआ है कि वो जाकर एक शख्स के, वहाँ का एक बशिंदा है उसके पास, उस मुल्क का एक बशिंदा है उसके पास गए। वो मुल्क का बशिंदा जो है वो उसे रोटी नहीं देना चाहता, उसका पेट नहीं भरना चाहता, वो उसको ऐसी गलीज जगह पर रखना चाहता है कि जो कि सुरों के साथ रहता है। सुरों की जगह जो है ना बड़ी, अगर आपने देखी वो बड़ी गंदी सी जगह होती है, मैंने एक दफ़ा जू में देखा तो ये बड़ा गंदा सा जानवर होता है। तो यहाँ पे जो है ये उसके साथ जो है रहता है, उसके उसका वो जो छिलके खाते हैं वो उससे ही अपना पेट भरता है। तब इसकी आँखें खुल जाती हैं, तब इसकी आँखें खुलती हैं और ये होश में आता है, कहता है कि मेरे बाप के पास कितने सारे मजदूर हैं जिनको रोज़ाना रोटी मिलती है, रोज़ाना जो है वो खाते हैं पीते हैं, और मैं यहाँ पे भूखा मर रहा हूँ। अब मैं इस काबिल तो हूँ नहीं हूँ कि मैं अपने बाप के पास जाऊँगा और उसे कहूँगा कि मेरे, मुझे अपने बेटे, बेटा मुझे बना। और वो कहता है कि मैं अब जाकर से ये कहता हूँ कि तू मुझे अपने नौकरों में शामिल कर ले, वहाँ पे कम से कम मुझे रोटी तो मिलेगी। वहाँ पे उसको वो शख्स रोटी नहीं देना चाहता, वो कहता है छिलके खा ले, वो रोटी नहीं देना चाहता। लेकिन यहाँ पे कहता है कि मैं अपने बाप के पास जाऊँगा, कहूँगा मुझे मजदूर की बहाने रख ले। लेकिन वो बाप जो है वो रोज़ाना उसका इंतज़ार करता है। मेरे ईश्वर भाइयों, बाप जो है कभी भी अपनी अपनी औलाद को जो है हमेशा पालता है। मेरे ईश्वर भाइयों, वो हमेशा पूरी ज़िंदगी उसको पालता है, उसके लिए ज़िंदगी के मंसूबे बांधता है। एक बाप जो है बड़ी कड़ी मेहनत करके जो है पालता है। माँ उसे नौ महीने पेट में कोख में रखती है, पालती है, लेकिन बाप पूरी ज़िंदगी के लिए उस बच्चे को पालता है। बाप जो है पूरी ज़िंदगी उसको पालता है और उसके मुस्तकबिल का, उसकी पढ़ाई का, उसके मुस्तकबिल का जो है वो फैसला करता है। वो उसके लिए एक दिन के लिए खाने का बंदोबस्त नहीं करता, वो उसके लिए ज़िंदगी भर की रोटी का बंदोबस्त करना चाहता है। मेरे अजीज भाई, ये बाप भी जो है जब इसका बेटा इसके पास से चला गया है, अपना माल ले गया, वो ज़िद्दी बच्चा था, ले गया सब कुछ, चला को दे दिया, लेकिन वो उसके बावजूद रोज़ाना अपने घर की छत के ऊपर शायद बैठकर उसका इंतज़ार करता होगा, उसका इंतज़ार करता होगा, उसको देखता, उसकी राह तकता होगा। और जब ही तो जब उसका बेटा ये आया है तो उसने दूर से उसको देख लिया है, किसी मजदूर ने आके नहीं बताया, किसी और ने बताया, वो खुद देख लेता है उसे, और वो जो आगे भाग कर जाता है उसका मकरम, उसका माथा चूमता है। जब उसका माथा चूमता है और जब उसका माथा चूमता है और वो जब उसके पास आता है और वो खुशी से, उसका दिल जो है बाप बाप खुशी से वो फूले नहीं समाता,
कि उसका जो ये बेटा है ये वापस आ गया है, ये सही रास्ते पर आ गया है, वो फूले नहीं समाता। शायद ये बाप गलती कर रहा है कि ये बेटे को बे उसने अपना हिस्सा भी ले लिया है, फिर दूसरों के हिस्से में भी अब ये हिस्सेदार बनेगा उसने। लेकिन वो बाप जो है रहम दिल है, वो अपने अपने बच्चों पर रहम करता है, वो अपने बच्चों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करता। और वो तो आके कहता है कि ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरी नज़र में गुनाह किया है, अब इस लायक नहीं कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों में शामिल कर। वो उठकर अपने बाप के पास चला और वो दूर से उसे देख लेता है, और जब वो उसे आता है तरस उसको देखकर, उसकी हालत को देखकर, यानी कि वो एक गंदे से जानवरों के सूरों के साथ जब रह रहा होता है तो उसके जिस्म से बदबू आती है, स्मेल आती है, तो वो उसको जल्दी से उसका उसको उसके बावजूद भी उसको गले लगाता है, उसको चूमता है, उसको नहलाता है धुलाता है, और जब उसको नहलाता धुलाता उसके पाँव में जूती पहनाता है और उसके हाथ में अंगूठी यानी कि अख्तियार की लामत यानी कि उसको अंगूठी भी बनाता है, अच्छी पोशाक बनाता है, अच्छे कपड़े बनाता है। और मेरे अजीज बहन भाइयों, एक जो है वो बछड़ा जो है उसको ज़बह करके उसको काटते बना उसको उसको खाते हैं, उसे खुशी मनाते हैं, ज़बह करते हैं, उसको खुशी करते हैं। और वो कहता है क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हो गया, खो गया था अब मिला है, क्योंकि मैंने अपने बेटे को पाया ही अब है, बस वो खुशी करने लगा, खुशी करने। उसका जो दूसरा जो भाई है, बड़ा भाई है, वो भी आता है वहाँ पे, और जब वो देखता है कि यहाँ पे बड़ा नाच गाना हो रहा है, हल्ला गुल्ला पार्टी शार्टी हो रही है, तो वो कहता है भाई ये क्या, तो वो एक गुलाम से पूछता है, अब ये जो गुलाम है ये इसका एक किरदार है, ये देखिए ये जो है क्या करता है कि ये ऐसे जैसे शिकायतें लगाते, इस तरह से उसको बताता है, इसी तरह से उसको बता रहा होता है कि जी आपका भाई आया है, वो जो लूट सब कुछ ले गया था। अब ये गुलाम जो है ना, ये सारे घर के हालात को जानते, भेती है सब चीज़ें जानते, वो उसके बावजूद भी उसको ऐसे शिकायत की तरह लगाता है कि जी ये तेरा भाई जो था ना, वो जो खो गया था वो आ गया है, और तेरे बाप ने जो है उसके लिए उसको अंगूठी भी बनाई है। वो बढ़ चढ़ कर बताता है, उसको अंगूठी बनाई है, उसको पोशाक भी बनाई है, और उसके लिए जो है बछड़ा भी ज़बह किया। वो कहता है मैं तो पूरी ज़िंदगी अपने बाप को कहता है मैंने, तूने कभी मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया, और इस ये जो तेरा बेटा था जिसने सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ कर दिया, और तूने उसके लिए बड़ा बकरी का बच्चा ज़बह किया। और कहता है बेटा तू मेरा है, जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, तू हमेशा से मेरे पास है, और जो कुछ सब कुछ है वो तेरा ही है। इसलिए मेरे अजीज बहन भाइयों, ये जो खोया हुआ है इसको जब पाता है उसका बाप, तो वो खुशी मनाता है, लेकिन उसका जो दूसरा बेटा है वो हमेशा उसके पास है, और वो कहता है जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, वो हमेशा तेरा ही है, लेकिन तेरा ये भाई जो था ये मुर्दा था अब जिंदा हो गया है। मेरे जिसमें भाई आज का कलाम यहीं तक, और खुदा हम सबको आज के कलाम को समझने की तौफीक अता फरमाए, मसीह खुदा उनकी वसीला से आमीन। रसूलों का अकीदा मैं मान रखता हूँ, खुदा का आदम अपने बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा कुंवारी बनी उससे पैदा हुआ, उसने पैर तस्वीर से उसके हृदय दुख उठाया, मसलूब किया गया, मर गया, दफन किया गया, बरसक होता तीसरे सूरतों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का आदम अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर पाक कहते क्लीसिया कसम की शराकत गुनाह की माफी जी सबके जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर आमीन। मेरे अज़ीज़ बहन भाई, वक्त है कि अपनी मुनाजातों को दुआओं को खुदावंद अपने खुदा के हजूर पेश करें। आज हम दुआ करेंगे खासतौर पर आज के जिंदा कलाम के लिए कि खुदाबा तो हमें आज के इस कलाम को, आज की तफसीलों को समझने की तौफीक अता फरमा, ताकि हम इस कलाम को बेहतर तौर पर जानते हुए इस कलाम पर अमल करते हुए अपनी जिंदगियों में 100 गुना फल लाएं। बहन भाई मिलकर दुआ करें, या खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम दुआ करेंगे खासतौर पर उन तमाम लोगों के लिए जो घरों में अस्पतालों में बीमार हैं, कि खासतौर पर खुदा बाप उन पर अपने रहम करम की निगाह करें, उन्हें शिफा तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज हम खासतौर पर दुआ करेंगे उन लोगों के लिए कि जो कहते हैं कि उनके लिए खासतौर पर दुआ की जाए, कि खुदा बाप उन पर अपने रहम करम की निगाह करें, और खुदा बाप हमेशा सबको अपनी सलामती अपना अपने प्यार में बांध के रखिए। दुआ करना चाहता हूँ आप सबके लिए कि खुदा बाप आप सबको बरकत अता फरमाए, आप सबके घर और घरानों को, आप सबके घर में खुदा बाप बरकत अता फरमाए, और खुदा बाप आपके घरों में सुलह सलामती को हमेशा कायम रखे। बहन भाई मिलकर दुआ करें, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन,
और मैं दुआ आपसे भी इल्तिजा करता हूँ कि मेरी दुआ करें कि खुदावंद मेरी सेहत तंदुरुस्ती मुझे अता फरमाए ताकि मैं खुदा का ये कलाम आप तक हमेशा पहुँचाता रहूँ। ऐ खुदा हमारी पनाह और ताकत तमाम शफकत की सरजश में जो दुआएं जिनके लिए सुनाए जैसे लाल के साथ मांगती है बख्शी की उसका असर उन तक पहुंचे मसीह खुदा उनके सिला से आमीन। रुखानों पर दुआ। ऐ खुदावंद हमारे खुदा हमारी इल्तजाएं सुनकर हमसे राजी हो अपने बंदे और बंदियों के ये नजराने कबूल कर ताकि तेरे पाक नाम की तासीम के लिए एक एक का नजराना सबकी निजात के लिए मफीद हो मसीह खुदा उनके वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। आए पूरे भरोसे और यकीन के साथ वो दुआ मांगे जो मसीह खुदावंद ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोजीना की रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा आमीन। आए हम आखिरी दुआ में अपने सरों को झुकाते हैं। ऐ खुदा तेरा करम क्या ही बेश कीमत है पनीनों इंसान तेरे पनों के साये की पनाह लेते हैं। हम दुआ मांगे ऐ खुदावंद हमारे खुदा अनायत करके आसमानी नेमतों की तासीर से हम जिस्म और रूह दोनों के लिहाज से काबू में रहें ताकि हमारी कोई जाती रबत नहीं बल्कि उसी नेमत का असर हमारी रहबरी करे मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। इबादत हो चुकी सुलह और सलामती में रहे खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद अपने चेहरे का नूर आप पर चमकाए और आपकी हिफाजत करे आमीन। तेरी है कल देवच गीता तेरी